ऑफलाइन क्लास का एक बच्चा पूछता है, एक बालक पूछता है कि सर पढ़ने टाइम स्लीपी क्यों फील करते हैं, हाफ एन आवर पढ़ने के बाद हम थक क्यों जाते हैं, लेजीनेस क्यों आता है, नींद क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है और क्या सोल्यूशन है, एक बालक हमसे पूछ रहा था। हम सोचे इस पर वीडियो बनाया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत सारा फैक्टर, बहुत सारा रीज़न इसका बालक हो सकता है ना, हेल्थ इशू तुम्हारा हो सकता है, फीडिंग हैबिट अगर अच्छा नहीं हो, बैड हैबिट हो, डिसिप्लिन ना हो खाने में तो हो सकता है ना, कैसे बैठते हैं उसका अगर अच्छा डिसिप्लिन नहीं है तो ये हो सकता है। बट आज हम लोग बिल्कुल मेन रीज़न के बारे में बात करेंगे कि अगर वो अच्छा कर लो तो ये सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मेन इसका कारण क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो मेन कारण ये है कि यार तुम पढ़ते क्यों हो, यही क्लियर नहीं है, यही मेन रीज़न है। अगर इस रीज़न को क्लियर कर लो तो फिर स्लीपी फील नहीं होगा, फिर लेजनेस फील नहीं होगा। यही क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे को मालूम ही नहीं होता है कि पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। लास्ट में एक बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन इसका बताने वाले हैं, अगर उसे तुम फील कर लिए, सोच लिए, समझ लिए तो फिर बालक पढ़ने टाइम कभी नींद नहीं आएगा, मम्मी को डांटना पड़ेगा, पापा को डांटना पड़ेगा कि उठ जाओ पढ़ने से, अब नहीं पढ़ो, ऐसा भी हो सकता है और बहुत बच्चे के साथ होता भी है ना। बात ये है कि पढ़ते क्यों हो भाई, ये तो पहली बात तो ये ज़्यादातर बच्चों को क्लियर नहीं होता है, और अगर क्लियर भी होता है तो प्रॉपरली नहीं होता है। और जिसको ये क्लियर हो गया है अच्छे से, उसको नहीं आता बालक नींद, उसको नींद नहीं आता, 12-12 बजे भी रात को क्वेश्चंस भेजता है बच्चा, यानी कहीं ना कहीं तब तक वो लोग पढ़ रहा है ना, कहीं ना कहीं तब तक वो लोग पढ़ रहा है तभी तो भेज रहा है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पढ़ते क्यों है, ये बालक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ जाना है ना। मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइप से अगर रोड है और इस पर तुमको जाना है तो क्यों जाओगे, ये तो क्लियर होना चाहिए ना, और कहाँ जाओगे ये भी क्लियर होना चाहिए, कैसे जाओगे ये भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जाना ही क्यों है। देखो जाना ही क्यों है, ये बालक अगर क्लियर नहीं है तो फिर यार एनर्जी वो कहाँ से आएगा। एनर्जी तो है तुम्हारे अंदर, एनर्जी तो बालक इतना है कि कुछ भी किया जा सकता है, एनीथिंग जो तुम सोच सकते हो वो कर सकते हो, इतना एनर्जी भरा पड़ा है, बट मालूम ही नहीं है कि क्यों जाना है। जिस दिन अच्छे से क्लियर हो गया ना कि क्यों जाना है इस रोड पर, कितना भी दूर जाना हो ना, अगर सही रीज़न तुम्हें मिल गया ना, एक राइट रीज़न मिल गया ना, उसके बाद एनी हाउ तुम चले ही जाओगे, चलते रहोगे, थकोगे नहीं, स्लीपी फील नहीं होगा। कभी कभी कुछ बच्चा का क्लियर भी होता है तो अच्छे से नहीं क्लियर होता है, और एक कॉमन आंसर मिलता है कि हम इसलिए पढ़ते हैं सर क्योंकि डॉक्टर बनना है ना, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है। ज़्यादातर तो किसी ना किसी से सुने होते हैं लाइफ स्टाइल इन लोगों का, किसी टॉप डॉक्टर्स का, टॉप इंजीनियर्स का, यूपीएससी क्रैक किए हुए इंसान का, आईएएस वगैरह का जब लाइफ स्टाइल देखते हैं तो उनसे उनको लगता है कि अच्छा लाइफ स्टाइल है तो मेरा भी यही पैशन है ना। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि कोई किसी का सही में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और वो इंजीनियर बनना चाहता है, सही में उसको इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, और वो जो है ना वो इंजीनियर बनना चाहता है, फिर भी वो पढ़ रहा है तो नींद क्यों आ रहा है, ये भी तो हो सकता है ना, फिर भी पढ़ रहा है तो उसको स्लीपी फील क्यों हो रहा है। इसके पीछे रीज़न है कि इंजीनियर तो देश में यार बहुत हैं, तुम अगर इंजीनियर बनने के लिए सोच रहे हो तो इसमें नया क्या है, यूनिक क्या है, तुम क्या क्या एक बड़ा करना कुछ चाह रहे हो। अगर इसी के देखो परफेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं बालक, इसे अच्छे से सुनना, पूरे फोकस के साथ सुनना, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर इसी के साथ एक बात अगर ऐड कर दोगे ना, अगर सच में तुम्हारा पैशन है टेक्नोलॉजी में, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग करना है, इसके साथ एक बात अगर ऐड कर दोगे कि हमको, ध्यान से सुनना, हमको दुनिया का सबसे बेस्ट इंजीनियर बनना है, सबसे बालक बेस्ट इंजीनियर, हमको दुनिया का सबसे बेस्ट इंजीनियर बनना है, सबसे बेस्ट लगा दो, वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंजीनियर अगर हमको बनना है तो उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कैसे कॉन्सेप्ट्स के डीप में जाना पड़ेगा, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने मेंटल स्थिति को कितना बढ़ाना पड़ेगा, सोचने का जो स्किल है उसको कितना तगड़ा करना पड़ेगा, ये सब जब एनालिसिस करके सोचोगे तो फिर देखो वो तुम्हारा जो नींद है वो कहाँ जाएगा। बस नॉर्मल सा आ जाता है, बस
ख्याल कि सभी लोग सोचते हैं इंजीनियर बनना है, उसको भी बनना है, उसको भी बनना है, वो भी सो रहा है तो हम भी सोएंगे। लेकिन जिस दिन तुम ये वर्ड यूज कर लोगे ना कि दुनिया का सबसे बेस्ट इंजीनियर बनना है, तो फिर देखो उस समय के बाद वही नींद तुम्हारा कहाँ जाता है। अगर तुमको टीचर बनना है तो इस दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर क्यों नहीं बन के दिखा सकते हो तुम? किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इस लेवल का सोचते ही नहीं हैं। हम लोग बस सिंपली सोच लेते हैं, बस इंजीनियर बनना है इसके लिए आईटी निकालना पड़ेगा और आईटी के लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, बस इतना सोच लेते हैं। जिस दिन एक बात ऐड कर दिए ना कि हमको इस दुनिया का सबसे बेस्ट आईएएस भी बनना है, एक डीएम भी बनना है, तो इस तरीके से बनना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट को पूरे तरीके से चेंज कर देना है, उतना अपने आप को इम्प्रूव्ड कर वहाँ जाना है, तो फिर देखो ये नींद कहाँ जाता है। सबसे पहले क्या बात है कि पहले क्लियर करो इस बात को कि पढ़ते क्यों हो, और ये जब क्लियर हो जाए तो वहाँ पर जब तुम ये ऐड कर दोगे ना बालक कि दुनिया का सबसे बेस्ट बनकर दिखाना है, तो फिर ये नींद अपने आप चल जाएगा। बाकी तो बहुत सारा इशू है, वो सब कवर अप हो जाएगा। फिर तुम देखोगे कि बुखार भी है फिर भी पढ़ोगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि जहाँ हमको पहुँचना है वो पहले क्लियर है और वहाँ जाने के लिए समय बड़ा कम है, तो हमको तो यार पढ़ना पड़ेगा एनी हाउ।